दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं है, मजाक की हद होती है, दांत मत दिखाओ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोमल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है और मैं आपके सामने हूँ सोमल। सो गाइस, ये ब्लॉग का चैनल है सॉरी, लेकिन आज फ्रैंक होने वाला है। आज मैं मेरे हस्बैंड के ऊपर प्रैंक करने वाली हूँ, क्योंकि गाइस उनके बालों में बहुत डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई है और मैं कितने दिनों से उनको बोल रही हूँ कि टकला हो जाओ, तो बोलते नहीं अच्छा नहीं दिखूंगा। तो अभी मैं सोच रही हूँ, ऐसे तो वो टकले होंगे नहीं, इसीलिए वो अभी सो रहे हैं, क्योंकि मैं बाहर से आई हूँ अभी अभी, आप देख सकते हो मैं कैसे दिख रही हूँ, तो इसीलिए वो सो रहे हैं। मेरे बहन को बोला मैंने कैमरा पकड़ो और फिर उनपे प्रैंक बना देते हैं, क्योंकि ब्लॉग अभी 2-3 दिन हमें कहीं जाना नहीं है, इसलिए कुछ वीडियो शेयर करना है, तो मैं आपको प्रैंक देने वाली हूँ। तो गाइस चुपचाप हमें जाना है, मेरे हस्बैंड बहुत नींद में है, क्योंकि अभी अभी मैं आधा घंटा छोड़ के गई थी, तो अभी सोए है, बहुत नींद में है वो, इसलिए उनका ऐसा कटिंग करना है कि उनको टकला होने से दूसरा पर्याय ही नहीं मिले। ऐसे जाके मुझे अभी उनकी कटिंग करनी है, थोड़ा गुस्सा करेंगे, पता नहीं रिएक्शन क्या होता है वो तो मुझे नहीं पता, वो तो हम सिचुएशन के बाद वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है उनका रिएक्शन क्या होगा, लेकिन आज मैं ये तो काम करूंगी, उनको टकला जरूर करूंगी। तो गाइस चलो मेरे साथ मेरे हस्बैंड के पास आओ। गाइस एक्चुअली गाइस मेरे पास दूसरी कैंची नहीं है, ये मेरे मम्मी की है, इधर थी, आप देख सकते हो मम्मी सिलाई मशीन का काम करते हैं, तो इसी कैंची से आज काटूंगी। ए उठो, चलो जल्दी उठो, बहुत टाइम हो गया, कितने देर से मैं घूम के भी आ गई हूँ, उठो जल्दी उठो उठो। गाइस मैंने उनके बाल तो काट दिए, उनको उठने के साथ साथ आईना देखने की आदत है, तो पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, मुझे तो डर भी लग रहा है। और हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, उनको तो पता ही है, इसलिए मैंने उनको बोला था कि आज मैं ब्लॉग बनाने वाली हूँ, तो मेरा वीडियो तो शुरू रहेगा ही, क्योंकि उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ए ये क्या किया है? आ ये क्या किया है? क्या दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं है, मजाक की हद होती है, दांत मत दिखाओ। क्या किया मैंने? यार मजाक की हद रहता है, ये क्या मजाक है? तो तुमको कितने दिन से बोल रही हूँ आपको, मैं अकला वजह तो होते नहीं, मैं क्या करूँ? तो ये क्या है? अच्छा लग रहा है, देखो कितना अच्छा दिख रहा है टकला। फाइनली गाइज उनको टकला होना पड़ रहा है, मेरी वजह से गुस्सा हुए है, बात तो नहीं कर रहे हैं उससे, लेकिन देख सकते हो आप। तो
मूड फुला फुला के रहो। नीचे से देखो ऊपर आके कर। तुम तो बात ही मत करो। मेरे आसपास भी नहीं भटकना तुम। बात ही मत करना मुझसे तुम। गाइज तो फाइनली आप लोग देख ही सकते हो ये टकला तो कर ही दिया इन्होंने। वो किसी को बुला के लाया था वो उन्होंने टकला किया है क्योंकि बाल बहुत ही बेकार काट दिया था इन्होंने। तो टकला होने के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं तो इसलिए कर दिया। खैर जो हुआ सो हो गया। अभी ज़्यादा गुस्सा करने से कोई फ़ायदा है नहीं। और टकला मुझे वैसे भी होना था लेकिन अच्छा लगेगा मुझे टकला होने में। फिर भी हो गए हैं गाइज। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना गाइज। तो मैंने इतना इन्होंने मुझ पे इतना गुस्सा किया मैंने कुछ भी नहीं बोला कुछ भी नहीं मांगा सिर्फ एक सब्सक्राइब मांग रही हूँ। गाइज एक सब्सक्राइब कर देना और हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। और गाइज हम लोग आशा करते हैं ये मिनिमम 5K के ऊपर व्यूज जाएगा ही। जो ऐसे आ रहा है व्यूज तो कर देना गाइज। चलो बाय। अरे रहा हमारी साली साहिबा देख सकते हो अब। ये रहा आज का कैमरामैन। ये दोनों मिलके मेरे ऊपर आज बहुत ही गंदा प्रैंक किया। मुझे मेरे बालों का कसम है इन दोनों को जब मौका मिलेगा छोड़ूंगा नहीं मैं। टकला कर दो हमको। मेरे बालों की कसम। हमारा टकला कर दो। बाय बाय। चलो गाइस मिलते अगले वीडियो में।